गुमला में सड़क सुरक्षा के नाम पर क्या होता है ये तो सभी जानते हैं। आपको बता दें कि मात्र और मात्र खाना पूर्ति होती है। आज तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने ट्रिपल सवार स्कूटी को कुचल दिया। इसमें स्कूटी चालक जितेंद्र यादव की मौत हो गई जो कि 18 वर्षीय है, जबकि स्कूटी पर बैठी बसंती कुमार और काजल कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि तीन लोगों को बिठाकर चलाना कानूनन ठीक नहीं है, तीन लोगों की सवारी दो पहिया वाहन पर ठीक नहीं है, पर इस तरह के वाहन पर घूमते लोग अक्सर देखे जाते हैं और दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं, और इस बार भी ये हुआ। बसंती और काजल को गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि जितेंद्र यादव की इस घटना में मौत हो गई है। आप सभी से अपील की जाती है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन किया जाए। कि अभी हम लोग सड़क सुरक्षा अभियान भी चला रहे हैं, और सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान जो भी जागरूकता हम लोग ला रहे हैं, है ना, इसमें प्रशासन को थोड़ा सा चाहिए कि जो भी मोटरसाइकिल चालक हैं अपना साइलेंसर चेंज कर कर, है ना, दूसरे को दुर्भाग्य करके वो दूसरे को तो मने एक्सीडेंट कराते ही हैं, स्वयं भी हो जाते हैं, और यदि हेलमेट पहने रहे लोग, प्रशासन चाहे कि हेलमेट पहन के ही लोग मोटरसाइकिल चलाएं, तो शायद हमको नहीं लगता है कि इस तरह का दुर्घटना होगी, लेकिन इस तरह की कैजुअलिटी से बचा जा सकता है, बिल्कुल कमी आएगी। लोग बैठा के आ रहे थे काली मंदिर के पास, रॉन्ग साइड से उन लोग गए तो खड़े ट्रैक्टर में मोटरसाइकिल घुस गया, जिसमें स्कूटी दो टुकड़ा हो गया और लड़का का स्पॉट डेथ हो गया। दोनों लड़की को एडमिट किया गया, उनको फर्स्ट एड किया गया, ट्रीटमेंट किया गया, दवाई दिया गया और सर्जरी भी हुआ। दोनों बच्ची, एक तो अनकॉन्शियस थी और एक बच्ची जो अपने को याद नहीं कर पा रही थी कि हम कहाँ हैं, कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी बताने नहीं बोल तो रही थी, अपना नाम बताइए, उसके अलावा वो नहीं बता पा रही थी, कंफ्यूज थी। उनको भी में चोट लगा था, उनको भी हेल्प नहीं था, इसलिए हम लोग दोनों पेशेंट को रिम्स रेफर कर। सर दोनों एक ही स्कूटी पर थे क्या? उसी स्कूटी में उस लड़का जो डेथ हो गया उसी की गाड़ी में वो लोग शायद बैठी थी। वो लोग दोनों, एक तो अनकॉन्शियस है तो बोल नहीं पा रही है कि उसी स्कूटी में थी, और दूसरी बच्ची भी अपना नाम बताई लेकिन वो क्लियर कट नहीं बता पाई कि हम कहाँ पर थे और कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, अभी कहाँ है, वो ही नहीं कर पा रही। हालांकि अपनी माँ को पहचान ली लेकिन बाकी को नहीं है, नहीं याद नहीं कर पाए।